गुना शहर के वार्ड क्रमांक 21 में रहवासियों से प्रधानमंत्री आवास बनवाने के नाम पर 30,000 रुपए ऐठने का मामला सामने आया है। संबंध में शुक्रवार को एक दर्जन महिला पुरुषों ने कलेक्टर को शिकायती आवेदन पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में रहवासियों ने बताया कि वो मजदूरी और गरीब वर्ग से परेशान हैं। वर्षों से वार्ड क्रमांक 21 हड्डी मील जगनपुर बस्ती में रहते हैं। यहां पूर्व पार्षद मीरा अहिरवार के पति सुरेश रोशन निवासी हड्डी मिल के द्वारा उनसे प्रधानमंत्री आवास कुटीर बनवाने के नाम पर 30,000 रुपए ऐठे गए हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि इस पूरे भ्रष्टाचार में नगरपालिका के कर्मचारी गौरव ठाकुर माखन सिंह गौर के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि उनके प्रधानमंत्री आवास नहीं बने तो उन्होंने पैसे की मांग की तो जान से मारने की धमकी देने लगे। इससे भयभीत और धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि उनकी कुटीर अब तक नहीं आई है, न ही उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि वो पात्रता सूची में आते हैं। उन्हें आवास नहीं दिए जा रहे, जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उन्हें कुटीर दी जा रही है। उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि जगनपुर के पूर्व पार्षद मीराबाई के पति सुरेश रोशन आवास योजना के प्रभारी गौरव ठाकुर और माखन सिंह के द्वारा व्यक्ति से 10,000 रुपए लूटे जा रहे हैं, जबकि उन लोगों के द्वारा 30,000 रुपए उनसे ले लिए गए हैं, जिन्हें वापस दिलाकर उन्हें कुटीर दिलवाई जाए। इस संबंध में नगरपालिका सीएमओ से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। कलेक्टर के समक्ष शपथ पत्र पेश किए गए हैं, जिनमें आवेदक धीरज सिंह अहिरवार, जमुना लाल, गौराबाई, उधम सिंह, प्रकाश लक्ष्मी बैरागी, रामेश बैरागी, मीनू सुखलाल, नवल सिंह, शीलाबाई आदि निवासी हदीमी जगनपुर ने बताया कि वो बहुत परेशान हैं। अब वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री आवास बनवाने के झांसी में आकर किसी से उधार उठाकर दे दिए, आज तक उन्हें आवास नहीं मिल पाए हैं, जिससे उन्हें आए दिन कर्जदार परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने बकायदा फोटो लगे शपथ पत्र कलेक्टर के समक्ष पेश किए हैं और जो आज तक उन्हें न तो कुटीर मिली और न ही उन्हें पैसे दिए गए। इस पूरे मामले से स्पष्ट हो रहा है कि वर्षो से इस शहर में सड़क और नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। इस तरह की वास्तविकता पहले भी समाचार पत्रों के द्वारा स्पष्ट की गई थी। आवास बनवाने के नाम पर लोगों के साथ गुपचुप तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। क्या समस्या तुम्हारी? सर जो समस्या है, कुटी नहीं आ रही, पैसा वाले लोग इनकी कुटी दे रहे हैं, ऑनलाइन कर देते हैं तो भी शिकायतें कटा रहे हैं सुरेश पार्सल ने, और 30,000 रुपया दे के नहीं कुटी गिरा, मकान गिरा करा के कुटी दे रहा है, पक्के टोट टोर के नहीं, और झुकी झोंपड़ी है जिनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। नगर पालिका के तो सुरेश का जाओ, सुरेश के तो नगर पालिका जी। कौन कौन लोग हैं जिनने आपसे 30,000 रुपए लिए? आप बोल रहे हैं 30,000 रुपए लिए जी, सुरेश और मीराबाई और नगर पालिका के लोग जिनने लिए हैं मिलजुल के। 30,000 ले रहे थे, फिर भी आपकी कुटी नहीं देगी? हमारी कुटी नहीं आ रही। और तीन तीन गौरव ठाकुर और कौन का खेतरी आवेदन लगा था खेतरी ऑनलाइन, हाँ तो अभी सुनाई ही नहीं हो रही। ऑनलाइन में तुम्हारी पहले तुमको बुला के तुम्हारी ऑनलाइन भी कटवा दी? दो बेर कटवा दी, एक बेर नहीं दो बेर। तो ये कौन जिनकी छत डल रही थी, जिनकी टूट टूट के मकान दे रहा था। तो सुरेश मास्टर जी कौन है? जो पार्सल है, पार्सल खो दे के उसकी घरवाली है। घरवाली है मतलब पार्सल तो वही है। अच्छा, घरवाली का क्या नाम है? मीराबाई। अच्छा अच्छा, वही ले रहे आप पैसा और वो पैसा वाले न दे रहे? हाँ। तो आज आप कलेक्टर साहब से मिलने आए? कलेक्टर साहब से मिलने हैं हमें। तो आप अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, हम